नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कनाडा की फाइल्स लग रही हैं उनके रिजल्ट्स को लेके। ठीक है जी, बहुत सारे लोगों की फाइल्स है जो कनाडा एम्बेसी में लगी हुई है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं कि जिनको तो वीज़ा आ रहा है उनकी तो लॉटरी लग रही है, लेकिन जिनको रिफ्यूज़ल आ रही है और रिफ्यूज़ल में रीजंस भी सूटेबल नहीं आ रहे, ठीक है जी, या जिनकी फाइल अभी तक डिले है तो उसका कोई शॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो उनके लिए आज एक से दो छोटी छोटी अपडेट्स हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाई रखिएगा। आने वाले दिनों में भी आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो सबसे पहले जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आ रहा, ठीक है जी, रिसेंटली भी मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी कि अगर आपकी फाइल का रिजल्ट नहीं आ रहा है, 5 से 6 महीने हो चुके हैं या जनवरी फरवरी की जैसे फाइल्स लगी हैं, लास्ट ईयर की हैं, मार्च अप्रैल की हैं, अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो आप केप्स नोट अप्लाई कर सकते हो। थोड़ी सी अमाउंट पे करके, थोड़ी सी फ़ीस पे करके कनाडा एम्बेसी से एक स्पेशल सर्विस ले सकते हो, अपनी फाइल का करंट स्टेटस जान सकते हो। जैसे कि मैं हूँ, मेरे जैसे और कितने सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे आपको एक सर्विस मिल रही है। उसी तरह से कनाडा एम्बेसी को एक छोटी सी फीस पे करके आप एक एक्स्ट्रा स्पेशल सर्विस ले सकते हो, जिसमें आपकी फ़ाइल का करंट स्टेटस क्या होगा, अगर अप्रूव्ड है, रिफ्यूज़ है, प्रोसेस में है तो कहाँ पे वो प्रोसेस चल रहा है, बैकग्राउंड चेक है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जो भी उनका प्रोसेस रहता है, तो वहाँ पे आपको सही जो प्रोसेस है मिल सकता है। सारी अपडेट्स वहाँ पे आपको केप्स नोट में मिल जाएंगी। अदरवाइज़ वेट करना तो वेट कर सकते हो, रिजल्ट आने में 2 घंटे में आ जाए, 2 दिन में आ जाए, 2 हफ्ते में आ जाए या 2 महीने तक ना आए, सो उसका कोई लिमिट नहीं है। एटलीस्ट केप्स में आपको कुछ ना कुछ करंट स्टेटस पता लग सकता है। दूसरी चीज़ की बात करें जी, अब जिन लोगों की फ़ाइल रिफ्यूज़ हो चुकी है, मैंने काफ़ी लास्ट 1-2 हफ्तों में जिन लोगों की रिफ्यूज़ल आई थी, जो आपके जैसे भाई हैं जो शेयर करते हैं कि सर रिफ्यूज़ल आ गई, मैंने उनको बोला कि सर अपनी रिफ्यूज़ल शेयर करो, भी देख लेते क्या रीज़न्स आया, क्या स्टोरी थी। तो जैसे जैसे मतलब काफ़ी सारी रिफ्यूज़ल्स जिन लोगों की आ चुकी थी उन्होंने शेयर्स किए, तो उनकी जो स्टोरी थी उसके हिसाब से उनको जो रिफ्यूज़ल के रीज़न्स थे वो सूटेबल नहीं दिख रहे थे भी यार ये चीज़ मैच नहीं करती है, तो उस पर अभी आप क्या कर सकते हो क्या नहीं वो चीज़ें आपको बताऊंगा। यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप JR के लिए अप्लाई कर सकते हो और या फिर आप फाइल रीअप्लाई कर सकते हो, ठीक है जी। अब इसमें आपको क्लियर कर देता हूँ एग्जैक्टली क्या स्टोरी होती है क्या नहीं। रीअप्लाई करने में तो आपको पता है कि फाइल रीअप्लाई करो और बैठ के वेट करो, ठीक है जी, नए डॉक्यूमेंट्स या जो रिफ्यूज़ल का रीज़न है तो उसको कवर अप कर सकते हो तो करो। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन जो मैं JR बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, ठीक है जी। इसमें क्या रहता है, आप कनाडा एम्बेसी के लिए जिस वीज़ा ऑफिसर ने आपकी फ़ाइल चेक की है उसका गेस्ट में आप दोबारा से फाइल को रीओपन करवा सकते हो, चेकिंग करवा सकते हो। इसमें 2 से 3 चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं। सबसे पहले जुडिशियल रिव्यू में आपकी फ़ाइल को रीओपन किया जाता है, लेकिन रीओपन जो है फेडरल कोर्ट कनाडा में अगर आगे से परमिशन देते हैं, मान लो अगर 10-20-50 लाख फाइल है उसमें 1 लाख फाइल है, तो हर कोई अगर फेडरल कोर्ट में अप्लाई करेगा तो उसको ऐसे हर किसी केस को वो नहीं उठाते हैं। अगर आपके केस जो उनके पास आपकी जैसे रिफ्यूज़ल थी, फाइल थी, उसका एक बेसिक सा जैसे हम कवर लेटर लगाते हैं फाइल में उसी तरह से एक बेसिक सा डाटा जुडिशियल रिव्यू जो फेडरल कोर्ट है उसके पास जाता है, ठीक है जी। उसके बेसिस पे अगर उनको लगता है कि यार ये केस रीओपन करना चाहिए, देख सकते हैं उसको, ठीक है जी, दोबारा चेकिंग कर सकते हैं, तभी वो ओपन होगा। अदरवाइज़ अगर फेडरल कोर्ट ने मना कर दिया तो वो उनका फाइनल डिसीजन ही रहेगा, ठीक है जी। अगर फेडरल कोर्ट ने रीओपन कर दिया उसके बाद भी गारंटी नहीं आपको वीज़ा है, आपको जिस पॉइंट्स पर लग रहा है कि हाँ यार ये रिफ्यूज़ल के रीज़न्स है, इसमें मेरी फाइल स्ट्रॉन्ग थी लेकिन ये रिफ्यूज़ल के रीज़न्स गलत लगे हैं, मेरे को वीज़ा आ सकता था, अगर आप उनको क्लैरिफाई कर सकते हो विद प्रूफ, ठीक है जी, तो आप जहाँ उनका कोई रीज़न अगर गलत आपकी फ़ाइल में लगा हो आप उसको प्रूफ कर सकते हो कि हाँ भी यार फैमिली टाइज विद इन इंडिया, या जैसे एक फ़ाइल है जिसमें एक हस्बैंड वाइफ इंडिया में है और उनकी बेटी वहाँ पे, जो स्टूडेंट केसेस में मोस्टली होता है कि फाइल को माँ बाप को अप्लाई करते हैं और जो वहाँ पे बेटा बेटी होती है स्टूडेंट केस में रिफ्यूज़ कर देते, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं, ठीक है जी। तो आप वहाँ पे जैसे रिलेशन प्रूफ, फैमिली टाइज आउटसाइड कनाडा, वो वाले चीज़ों पे आप क्लियर कर सकते हो, तो आपके लिए ये एक ऑप्शन रहेगा कि जिसमें आपका वीज़ा लगने के चांसेस हाई रहेंगे। अभी अप्लाई कैसे करना है, फ़ीस करेगी वो भी आपको बता दे दो आपको, ठीक है जी। अप्लाई करने की जो आपकी फ़ीस है JR जुडिशियल रिव्यू, ठीक है जी, इसको अप्लाई करना होता है, इसकी जो फ़ीस है वो रहती है $50 के आसपास, ठीक है जी, $50 के आसपास की फ़ीस रहेगी। आप अप्लाई खुद से कर सकते हो, यहाँ पे कोई भी इमिग्रेशन लॉयर जो है, ठीक है जी, ज़रूरत नहीं कि आपको वहाँ से करवाना ही करवाना पड़ेगा, आप खुद से भी अप्लाई करना चाहते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप खुद से भी अपने केस को रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इमिग्रेशन लॉयर जो है वो आपकी फ़ाइल को आगे अगर आपको नहीं नॉलेज है तो वो कर सकते हैं, लेकिन एक RCIC मेंबर जो है रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट वो आपके जुडिशियल रिव्यू में आपकी कुछ भी हेल्प
नहीं कर सकता है। सो जिन लोगों की फ़ाइल रिफ्यूज़ हो चुकी है उनको लगता है कि यार दोबारा अप्लाई करने से अच्छा है कि हाँ भी मेरे को अगर कोई जो सूटेबल रीज़न्स हैं भी मेरी वो रिफ्यूज़ल में नहीं आए हैं या दो से तीन ही जो मेरे को रिफ्यूज़ल के रीज़न्स आए हैं वो मेरी फ़ाइल के साथ मैच नहीं करते हैं, ऐसे मतलब धक्के से मेरे को एक रिफ्यूज़ल दी गई है, तो वो लोग अपनी ये चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स कुछ नए अपडेट्स के साथ। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए,